उपमंडल भोरंज के कड़होता क्षेत्र के शहीद अंकुश ठाकुर को सेना मेडल मिलेगा। शहीद के परिजनों को 4 मार्च 2022 को मामून मिलिट्री स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। सेना की तरफ से परिजनों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में गुरुवार को क्षेत्र के लोगों ने एकत्रित होकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ में अंकुश ठाकुर शहीद हो गए थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत का जाम पिया था। उनकी वीरता तथा अदम्य साहस को देखते हुए अब उन्हें सेना मेडल से नवाजा जाएगा। पठानकोट से आए सूबेदार परविंदर सिंह सहित अन्य ने शहीद के परिजनों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, करवा ध्वनियों से स्वागत हो रहे होता रहना चाहिए। जैसे हमारे महानुभाव अपने श्रद्धा सुमन अपन करेंगे पानिया अर्पित करने आ रहे हैं। वीडियो भवन श्री मनोज कुमार जी पानी बेटा आगे SHO भवन श्री सुन सिंह जी स्वागत अर्पण कर रहे हैं। आगे हमारे कर्मठ आपके इलाके के कर्नल श्री अशोक कुमार जी जिन्होंने सेना में रहते सेवा देते हुए आगे अभी भी सदैव आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। देखो ये हमारे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना पूरा भारत के लिए दिया था आज भी स्थानीय श्री अशोक कुमार जी अपने श्रद्धा सुमन शहीद हमार अंकुश ठाकुर अर्पित कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर के साथ लद्रौर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।